लाइफस्टाइल में गड़बड़ी के कारण कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, जो हार्ट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि लोग अब समझदार हो रहे हैं और अपनी डाइट से फैट को कम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो प्लांट बेस्ड डाइट को फॉलो कर रहे हैं। बता दें, बैड कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों की बढ़ती संख्या भी कारण है, जिसके चलते नई नई थ्योरी सामने आ रही है। जहां कुछ लोगों का मानना है कि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से पूरी तरह परहेज करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल अपने आप कम हो जाएगा। यूरोपियन हार्ट जर्नल में हाल ही में प्रकाशित एक मेटा स्टडी में पाया गया कि प्लांट बेस्ड डाइट से कुल कोलेस्ट्रॉल में 7% की कमी और आर्टरीज को ब्लॉक करने वाले लिपोप्रोटीन में 14% की कमी देखी गई है। शोध के लिए कोलेस्ट्रॉल पर प्लांट बेस्ड डाइट के प्रभाव की जांच करने वाले 1980 और 2022 के बीच प्रकाशित 30 अलग अलग रैंडम नतीजों का परीक्षण किया गया था। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे जैसी चीजों में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है। प्लांट बेस्ड डाइट में सॉल्युबल फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके चलते कोलेस्ट्रॉल के लेवल, आर्टरी की रुकावटों और लिपोप्रोटीन को कम करने में मदद करता है। ऐसे में दलिया, सेब, बीन्स जैसी चीजें सॉल्युबल फाइबर का अच्छा सोर्स है। शरीर द्वारा कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित करने से ये रोकता है और अलग अलग शोध के मुताबिक दिन में कम से कम 10 ग्राम फाइबर खाने से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को काफी कम किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप लॉग इन करें thehealthsite.com पर।